इस रेस में कई नाम शामिल थे, तो ये भी कहा जा रहा था कि रमन सिंह अनुभवी हैं, तीन साल आपको तीन बार ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 15 साल बतौर राज्य सरकार को चलाने का अनुभव है इनके पास, लेकिन विष्णुदेव साय ये अनुभवी नेता, तीन दशक से भी लंबे वक्त का इनका राजनीतिक सफर रहा है, उनके बारे में कुछ खास तमाम बड़ी बातें लगातार जी न्यूज आपको दिखा भी रहा है। और इसी वजह से एक तरफ अगर किसी नए चेहरे को पहली बार मुख्यमंत्री चुना गया तो उसके पीछे की क्या वजह रही वो भी आप जान लीजिए। मोदी के पहले कार्यकाल में मंत्री भी रहे हैं विष्णुदेव साय। इसके अलावा आपको बता दें ट्रैवल कम्युनिटी से आते हैं, जिस कम्युनिटी का दबदबा खास करके छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा है ओबीसी के बाद, उस कम्युनिटी से आते हैं, उसको भी साधने की कोशिश की गई है 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए। और छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, 2 साल से भी ज्यादा लंबे वक्त तक रहे हैं, और सांसद भी कई बार चुने गए हैं, फिलहाल मौजूदा दौर में विधायक और अब मुख्यमंत्री चुन लिए गए हैं, शुरू से बीजेपी के साथ जुड़े रहे हैं। और यही वजह है कि दशकों तक काम करने का इनाम भी इन्हें मिला है। पहले बार जब प्रधानमंत्री बतौर चुने गए थे नरेंद्र मोदी, तो मोदी के पहले कार्यकाल में मंत्री भी थे, और अब जाकर के उन्हें मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी मिली है। छत्तीसगढ़ से ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, एक तो पार्टी दफ्तर की तस्वीर है रायपुर की, जहां आज विधायक दल की मीटिंग चल रही थी, उसके बाद ये नेता चुना जाना था, और आज ऐलान कर दिया गया कि मुख्यमंत्री अगला कौन होगा। औपचारिकता अभी बाकी है, लेकिन ऐलान बीजेपी की तरफ से कर दिया गया कि विधायक दल का नेता इन्हें चुना गया है विष्णुदेव को। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, जश्न है, खुशी का मौका है, ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता कुछ इस तरीके से जश्न मनाते हुए। और रही बात, क्योंकि रमन सिंह भी जीत दर्ज करा करके पहुंचे हैं एक बार फिर, लेकिन इस बार उन्हें ना मुख्यमंत्री के लिए चुन करके एक नया चेहरा बीजेपी की तरफ से दिया गया है, भरोसा जताया गया है, उस पर भी कोई नाराजगी किसी की तरफ से भी नहीं, क्योंकि एक वरिष्ठ चेहरा, एक वरिष्ठ नेता को ये जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसी राज्य से आते हैं, जो समाज से आते हैं, जिस कल्याण के लिए, जिस हित के लिए कई कदम बीजेपी की तरफ से उठाए गई थी, कई योजनाएं बीजेपी की तरफ से चलाई गई थी, और अब पूरा दारोमदार छत्तीसगढ़ का विष्णुदेव के ऊपर है। छत्तीसगढ़ के लिए विष्णुदेव से अच्छा कुछ नहीं, इस तरीके के बयान भी सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नए सीएम होंगे विष्णुदेव साय। औपचारिकताएं बाकी रह रही हैं, लेकिन ऐलान बीजेपी की तरफ से कर दिया गया, उसी की ये दो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। 1106 नंबर में किराए से रहता हूं। तो ये कब से घूम रहे हैं आप ऐसे? बहुत दिन से है। बहुत दिन से बीजेपी के फैन है या कार्यकर्ता है? मैं होल टाइमर हूँ, कार्यकर्ता, बिहार में थे पहले, वहाँ से यहाँ आ गए, और यहाँ घर में ताला लग गया, यहाँ लड़का लड़की सब लोग यहीं पे है, और यहाँ मुझे सबसे बढ़िया लगा, लोग कहते थे कि छत्तीसगढ़ तो बहुत हम बकवास, लेकिन यहाँ देख लिए कि मोर छत्तीसगढ़िया बड़ा बढ़िया, जय भारत, छत्तीसगढ़ मतारी की। मेरा नाती, मेरा नतनी, पोता पोती छत्तीसगढ़ एम्स में पैदा हुआ, एम्स में यही पढ़ाई लिखाई है उसकी, और घर में बनाए मरमर के घर में ताला लग गया, और यहाँ पे लड़की लड़का सब परिवार यहीं पे है। तो बीजेपी के इतने बड़े फैन कैसे हैं आप? लग गया हमको इन लोग का चर्चा मिला, मन मिला, सिद्धांत और नीति मिला, तो हम जुड़ गए। अटल जी थे तब से, और जब दीपक छाप था, जनसंघ बोल के था, तब से पार्टी चल रहा हूँ, अभी तो भाई जयप्रकाश नारायण का। तो चलिए, हर कोई अपने नजरिए से उस राज्य को बयां कर रहा है कि छत्तीसगढ़ किस तरीके से आगे विकास के पथ पर विकसित होता चला जा रहा है, चल पड़ा है, और पूरा दारोमदार अब विष्णुदेव के कंधों पर है इस राज्य को चलाने का। Z News.